अरे भाई लालू जी, थोड़ा सही से धक्का लगाओ, सही से धक्का लगाओ। ये घोड़ा तो नदी में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी घोड़ा गाड़ी को कैसे करके निकालूंगा मैं नदी में से? अरे राहुल आ गया। राहुल धक्का लगवाओ, राहुल धक्का लगवाओ, मेरी इस घोड़ा गाड़ी पर धक्का लगवाओ तो। राहुल क्या बताऊं, राहुल लालू जी की इस गेहूं की फसल लालू जी ने कटवाई थी केजरीवाल से। केजरीवाल तो अपने ट्रैक्टर ट्राली में नहीं लेके गया लालू जी की गेहूं की फसल, तो मुझसे लालू जी ने कहा कि मोदी जी तुम मेरी इस फसल को ले जाना अपनी इस घोड़ा गाड़ी से। तो मैंने अपने घोड़ा गाड़ी पर इस गेहूं की फसल को लाद लिया लालू जी की, लेकिन ये घोड़ा यहीं पर आकर नदी में फंस निकलने का नाम ही नहीं ले रहा मेरा ये घोड़ा। अच्छा वो नदी में पानी बहुत कम है, अगर पानी ज्यादा होता तो मैं कहाँ से लेकर आता अपने इस घोड़ा गाड़ी को तुम्हारी गेहूं की फसल लेकर, कैसे करके आता लालू जी मैं यहाँ पर? राहुल धक्का लगवाओ, राहुल धक्का लगवाओ, इस घोड़ा गाड़ी पर धक्का लगवाओ राहुल। अरे भाई मोदी जी, ये घोड़ा निकलने का नाम क्यों नहीं ले रहा? इसीलिए नहीं ले रहा, तुम इसके ऊपर इतना ज्यादा जब ओवरलोड करोगे तो ये निकलने का कैसे नाम ले लेगा? ये घोड़ा गाड़ी तुम्हारी निकली नहीं पाएगी इस नदी में। कि अच्छा हुआ कि नदी में पानी कम है, अगर पानी कम नहीं होता तो तुम इस घोड़ा गाड़ी को कहाँ से लेके जाते? अपने यहाँ पर तो कहीं पर पुल भी नहीं बना हुआ जो पुल के ऊपर से ले जाते अपनी इस घोड़ा गाड़ी को। लेकिन मोदी जी तुम ये कह रहे हो कि घोड़ा गाड़ी को धक्का लगवाओ, घोड़ा गाड़ी को धक्का क्यों लगवाऊंगा मैं? जब तुम लालू जी की गेहूं की फसल ले आए, मैंने कहा था कि मेरी भी गेहूं की फसल ले आना मोदी जी अपनी इस घोड़ा गाड़ी से, लेकिन तुम लालू जी की गेहूं की फसल ले आए, मेरी गेहूं की फसल नहीं लेके आए। और तुमने इतना ज्यादा ओवरलोड क्यों कर रखा अपनी इस घोड़ा गाड़ी को? अरे भाई राहुल क्या बताऊं, लालू जी ने कहा थोड़ा और अनाज लाद लो, थोड़ा और अनाज लाद लो, थोड़े थोड़े के चक्कर में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गई मेरी ये घोड़ा गाड़ी। अब राहुल तुम इसको धक्का लगवाओ राहुल, और तुम ये कह रहे हो राहुल कि मेरी फसल गेहूं की फसल क्यों नहीं लेके आया? अब क्या बताऊं मैं, जब लालू जी पहले पहुंच गए सुबह सुबह मुझे बुलाने के लिए, मुझे सुबह सुबह बुलाकर ले आए अपने इस खेत पर, फिर हमने खेत पे से लालू जी की गेहूं की फसल इस घोड़ा गाड़ी पर रख दी। जब मैं लेकर आ रहा था अपनी इस घोड़ा गाड़ी से गेहूं की फसल, तो ये घोड़ा यहीं पर रुक गया, घोड़ा तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। राहुल राहुल तुम टेंशन मत लो, ये लालू जी के घर पर फसल पहुंचवा दूं गेहूं की, फिर अपना दोनों लेने चलेंगे तुम्हारी गेहूं की फसल। लालू जी की फसल तो यहाँ से निकलने दो, ये घोड़ा तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। राहुल थोड़ा धक्का लगवाओ, धक्का लगवाओ। अरे भाई मोदी जी ज्यादा बेफालतू की बातें तो करो मत, मेरे ऊपर तो ज्यादा नाम लगाओ मत। तुम मेरे ऊपर नाम लगा रहे हो कि लालू जी ने कहा कि अपने इस घोड़ा गाड़ी पर गेहूं की फसल ज्यादा लाद लो। मैंने थोड़ी ना कहा था कि ओवरलोड कर लो, तुमने तो इसलिए घोड़ा गाड़ी पर इतनी ज्यादा फसल लादी थी क्योंकि जितनी ज्यादा घोड़ा गाड़ी पर तुम्हारी गेहूं की फसल होगी उतना ज्यादा मैं भाड़ा दूंगा। भाड़े के चक्कर में तुमने इतना ज्यादा ओवरलोड कर लिया अपने इस घोड़े को। अब क्या करें मोदी जी, घोड़ा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे भाई राहुल धक्का लगाओ, धक्का लगाओ, घोड़ा बढ़ने लगा, घोड़ा बढ़ने लगा, तभी मोदी जी तुम्हारी भी गेहूं की फसल लेके आएंगे अपनी इसी घोड़ा गाड़ी से। राहुल धक्का लगाओ, घोड़ा बढ़ने लगा, घोड़ा बढ़ने लगा। हाँ भाई लालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, घोड़ा बढ़ने लगा। राहुल थोड़ा धक्का लगवाओ तो फिर तुम्हारे खेत पे से तुम्हारी भी गेहूं की फसल लेकर आना मुझे अपनी इस घोड़ा गाड़ी से। राहुल धक्का लगवाओ, धक्का लगवाओ, घोड़ा निकलने वाला। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।